यह बहुत ही पुरानी बात है, जब डाकुओं का ज्यादा आतंक था। ऐसा ही एक गिरोह था डाकुओं का, जिसका मुखिया था गब्बर। एक बार गब्बर की नजर गांव के देवी के मंदिर पर पड़ती है। देवी के आभूषण और मंदिर में जमा सोने के खजाने को देखकर गब्बर मन ही मन सोचता है, इतने सारे सोने के आभूषण और तो और इस मंदिर में सोने का खजाना भी है। इतना सारा सोना अगर मुझे मिल गया तो मुझे और डाका डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे भी करके सारा सोना चुरा कर इस देश से ही भाग जाऊंगा। ऐसा सोचकर गब्बर मंदिर से देवी के गहने चुराने का प्लान बनाने लगता है। गब्बर ने अपने सारे साथियों को अपना सारा प्लान अच्छे से समझा दिया था। गब्बर ने सोने के साथ देश से भागने के लिए एक प्लेन का भी इंतजाम कर रखा था। प्लान के हिसाब से गब्बर मंदिर का खजाना और देवी के आभूषण चुरा कर अपने ठिकाने पर ले जाता है। सारा सोना वो प्लेन में रखते रहते हैं कि तभी एक साथी वहाँ भागते हुए आता है और कहता है, सरदार सरदार, पुलिस, पीछे पुलिस आ रही है। तब गब्बर अपने साथियों को वही छोड़कर सोने के साथ प्लेन से उड़ जाता है। गब्बर के साथी पुलिस के हाथ लग जाते हैं, पर गब्बर भागने में कामयाब हो जाता है। प्लेन एक समंदर से उड़ रहा था कि तभी प्लेन में कुछ खराबी होने के कारण वो क्रैश होकर पानी में गिर जाता है। गब्बर मछुआरों के जाल में गिर जाता है, जिस वजह से वो बच जाता है। पर इस हादसे की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो बस पागलों के जैसे बड़बड़ाने लगता है, देवी का को भैया, देवी के गहने पानी में है, पानी में। इस तरह से वो गांव-गांव पागलों के जैसे भटकने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। गब्बर अब पहचान में नहीं आ रहा था। शरीर पर कपड़े मैले हुए थे। उसका रूप एक भिखारी और पागल के जैसे बन चुका था। एक बार गब्बर भटकते भटकते उसी गांव में आता है, जिस गांव के मंदिर में उसने डाका डाला था। मंदिर अब खंडर बन चुका था। मंदिर में आते ही उसे सब याद आने लगता है। तब वो मन में सोचता है, अरे मेरी वजह से इस मंदिर की क्या दशा हो गई है, कैसे बेजान पड़ा हुआ है ये मंदिर, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। गब्बर मंदिर की हालत देखकर दुखी हो जाता है। उस दिन से गब्बर उसी मंदिर में रहने लगता है। ऐसे में एक दिन वहाँ इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट आते हैं, जिनमें सुधीर नाम का एक लड़का था। वो अपने कुछ दोस्तों को मंदिर दिखाते हुए कहता है, सुनो दोस्तों, पहले ये मंदिर ऐसा नहीं था, बड़ी चमक रहती थी इस मंदिर में पहले। लेकिन सुना है कि सालों पहले किसी डाकू ने इस मंदिर में डाका डाला और बस उसी दिन से ये मंदिर खंडहर बन गया। बाकी के दोस्त सुधीर की इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वो उस पर हंसते हैं, पर ये सब गब्बर सुन लेता है। वो सुधीर के पास जाता है और उसे ये बात कैसे पता चली ये पूछता है। तब सुधीर कहता है, ये बात तो मुझे मेरी माँ ने बताई थी, और जिसने डाका डाला दरअसल वो मेरे पिता ही थे। काश मेरे बस में होता तो मैं इस मंदिर की चमक फिर से वापस ले आता, क्योंकि इससे मेरे पिताजी के पाप तो धुल जाते और मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाती। ये सुनकर गब्बर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। गब्बर सुधीर को उसका पिता होने की बात छुपाता है। उसी के साथ साथ गब्बर प्लेन क्रैश की बात सुधीर को बता देता है। तब सुधीर कहता है, लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता, और मैं आपकी बात पर विश्वास क्यों करूं? उस समुन्दर में प्लेन को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम है, और चलो मैं वहां तक गया भी और आपकी बात झूठ निकली तो? मेरा यकीन करो बेटा, ये बात सच है। हो सकता है तुम्हारे ही हाथों इस मंदिर को नया रूप मिलने वाला होगा, इसीलिए तो देवी ने हम दोनों को मिलाया है। बेटा मेरी बात पे यकीन करो, वो प्लेन उसी समुन्दर के तले में बस चुका है, और जिसमें ढेर सारा सोना और देवी के गहने भी है। सुधीर गब्बर पर विश्वास करके उसके साथ उस जगह जाता है जहां प्लेन क्रैश हुआ था। सुधीर समंदर में उस प्लेन को ढूंढने लगता है। काफी मेहनत के बाद आखिर उसे वो प्लेन मिल ही जाता है। प्लेन को पानी से वो बाहर निकालकर सारा सोना और देवी के आभूषण मंदिर को सौंप देता है।
ये सब करके सुधीर बहुत ही खुश हो जाता है। सुधीर उस प्लेन का भी रिस्टोरेशन कर लेता है और उसे भी मंदिर के पास ही रखता है। इस वजह से सुधीर की बहुत ही तारीफ और चर्चे होते हैं। सोने से मंदिर फिर से चमकने लगता है। लोग मंदिर में पूजा ही नहीं बल्कि उस प्लेन को देखने भी आने लगे। तब गब्बर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सुधीर गब्बर का धन्यवाद करने उसे ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलता है। पर सुधीर मन ही मन उसका धन्यवाद करता है और खुशी से जीने लगता है। लॉन्ग कार रिस्टोरेशन। सुंदर अपने छोटे बेटे चिंटू के साथ जंगल सफारी के लिए बाइक से गया था। जंगल में वो दोनों बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। जंगल में एक नदी बह रही थी। नदी के उस पार भी जंगल ही था। उस नदी को देखकर चिंटू कहता है, पापा चलो ना हम बाइक से नदी के उस पार जाते हैं, बड़ा मजा आएगा। हो सकता है हमें उस जंगल में कोई जानवर दिखाई दे। सुंदर अपने बेटे की बात मान लेता है और बाइक से नदी को पार करने लगता है। चिंटू बहुत ही खुश रहता है पर मजे मजे में उनकी बाइक ही खराब हो जाती है। तब सुंदर कहता है, अरे ये क्या बेटा, बाइक तो खराब हो गई, अब क्या करें, घर कैसे वापस जाए। चलो इस जंगल से आगे जाकर देखते हैं, हो सकता है हमें कोई रास्ता मिल जाए। इस तरह सुंदर और चिंटू जंगल से आगे जाने लगते हैं, लेकिन जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब अंधेरा भी होने लगता है। तभी उन्हें शेर की दहाड़ने की आवाजें आती है। ये सुनकर सुंदर और चिंटू की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो डर के मारे भागने लगते हैं। भागते हुए अंधेरे में उन्हें एक कार दिखाई देती है। तब वो दोनों उस कार में जाकर बैठ जाते हैं। सुंदर कहता है, बेटा अब हम इसी कार में सुरक्षित है, रात हमें यहीं पर रुकना होगा, कल दिन के उजाले में हम घर के लिए निकल जाएंगे। इस तरह रात गुजार कर दूसरे दिन सवेरे वो कार से निकलते हैं, पर उजाले में जब वो कार को देखते हैं तो वो चकित हो जाते हैं। चिंटू कहता है, पापा ये देखो ये कौन सी कार है, ये तो बड़ी ही पुरानी और लंबी कार है, हम इसे घर ले जाते हैं। लेकिन बेटा पहले हम खुद तो यहाँ से बाहर निकले, बाद में देखेंगे इस कार का क्या करना है। वैसे बेटा इस लॉन्ग कार का रिस्टोरेशन किया तो ये हमारे बहुत काम आ सकती है। वो दोनों जिस कार में छुपे हुए थे वो कोई साधारण कार नहीं थी बल्कि एक लॉन्ग कार थी। उस दिन सुंदर और चिंटू जैसे तैसे रास्ता ढूंढकर घर चले जाते हैं। घर में उसकी पत्नी उन दोनों के लिए बहुत परेशान थी। उनके आते ही वो कहती है, आ गए तुम दोनों, मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था कि जंगल सफारी पर ना जाए, पर तुम दोनों बाप बेटे मेरी बात सुनते कहाँ हो। रात भर मेरा क्या हाल हुआ है तुम्हें उसकी खबर भी है या नहीं? अरे हाँ बाबा, मुझे तुम्हारी हालत समझ आ रही है, पर हमारे साथ भी क्या हुआ तुम्हें कैसे बताऊँ। हम जंगल में लॉन्ग कार की वजह से हम बच गए, लेकिन अब हम उसी कार से हमारा नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सुंदर के मन में उस लॉन्ग कार को लेकर कुछ चल रहा था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ जेसीबी लेकर फिर से उसी जंगल में जाता है और उस लॉन्ग कार को उठाकर वो घर ले आता है। सुंदर उस कार को अच्छे से गैराज में रिस्टोरेशन के लिए देता है। कुछ दिनों में लॉन्ग कार का रिस्टोरेशन पूरा भी हो जाता है। वो कार अभी बिल्कुल नए जैसे दिख रही थी। सुंदर उस कार को लेकर अपने गाँव आता है तो सारे गाँव वाले उस कार को देखते ही रहते हैं। सुंदर घर आता है तब उसकी बीवी उससे कहती है, सुनिए जी ये कार कितनी बड़ी है और कितनी लंबी है, अंदर तो इतनी जगह है कि हम वहाँ खाना पीना सोना सब कुछ कर सकते हैं, पर आपने क्या सोचा है इस कार के बारे में? अरे मैं इस कार को किराए से दूंगा, और हाँ मुझे पता है कि लोग ऐसे लॉन्ग कार के साधारण कार से ज्यादा किराए देंगे। इस तरह सुंदर उस लॉन्ग कार को शादी ब्याह में पिकनिक में किराए से देने लगता है। लोग भी ऐसी आलीशान लॉन्ग कार को देखकर किराए से लेना पसंद करने लगते हैं, चाहे उसके लिए कितना भी किराया क्यों ना देना पड़े। देखते ही देखते सुंदर के पास काफी पैसे आना शुरू हो जाते हैं। सुंदर उन पैसों से अपना खुद का घर बनाता है और कई सारी गाड़ियां खरीदकर उन्हें भी किराए से देने लगता है।
इस तरह से सुंदर का गाड़ियों का बिजनेस बहुत ही अच्छे से शुरू हो जाता है और वो गांव का अमीर आदमी बन जाता है। तब सुंदर सोचता है, अब मुझे मेरी ये लॉन्ग कार किराए से देने की कोई जरूरत नहीं है। इस लॉन्ग कार की वजह से मैंने ढेर सारे पैसे कमा लिए। अब मैं इस लॉन्ग कार का इस्तेमाल खुद के लिए करूंगा। इस तरह सुंदर अब उस लॉन्ग कार को किराए से देना बंद करता है और उस लॉन्ग कार का इस्तेमाल करके अपने परिवार के साथ गांव-गांव घूमता है।